चलो चल चलो काम करो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ऑपरेटर विद हेल्पर में। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पोकलेन में जो एक्सकेवेटर मशीन है उसका चैन का जो ट्रैक रोलर है ना वो कैसे चेंज किया जाता है, हाउ टू चेंज ट्रैक रोलर इन एक्सकेवेटर। तो चलिए इस वीडियो में पूरी प्रोसेस दिखाते हैं कि ट्रैक रोलर पोकलेन में कैसे चेंज किया जाता है, क्या प्रक्रिया है। इसी वीडियो में सारी चीजें आपको दिखाएंगे भी लाइव, तो वीडियो को पूरा देखिए। देखिए ट्रैक रोलर लगाने के लिए सबसे पहले चैन की अच्छे से सफाई कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। चैन की सफाई हो जाने के बाद अगर आपका चैन ढीला है या फिर ज़्यादा टाइट है तो उसको ढीला कर लें और किसी सपोर्ट से चैन को इस प्रकार से ऊपर कर लें। हमने यहाँ पाइप का इस्तेमाल किया है चैन ऊपर करने के लिए, हमारा चैन पहले से ढीला था इसलिए काम आसान हो गया। एक बार फिर उसकी अच्छे से सफाई कर लेंगे, जो बचा कुचा है वो भी सब कर लेंगे। देखिए रोलर चेंज करने के लिए रोलर के बगल में दो बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट को ढीला करेंगे और उसको निकाल लेंगे, उसके बाद दूसरा रोलर को रखकर उसको टाइट करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जो बोल्ट लगा हुआ है उसे हम लोगों ने खोलने की कोशिश कर रहे हैं और इसको 30 नंबर गोटी पाने से हम इसे खोल रहे हैं और ये देखिए कुछ इस प्रकार से हम इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा बोल्ट लगभग खुल गया है और हम निकालने जा रहे हैं इसको। देखिए हमने कुछ इस प्रकार से एक बोल्ट को खोल लिया है और हम दूसरी बोल्ट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बोल्ट खोल के ट्रैक रोलर उतार लिया है। यहाँ पे दोनों बोल्ट लगा हुआ था जो हम लोगों ने खोल के ट्रैक रोलर को उतार लिया है और यहाँ पे हम ये नया ट्रैक रोलर को लगाएंगे। ये जो हम रोलर लगाने जा रहे हैं ये रोलर CH ब्रांड का है और इसका वारंटी पीरियड जो लिखा है वो 1 ईयर का है, यानी 1 साल का। ट्रैक रोलर इसी मशीन के ऑपरेटर के द्वारा लगाया जा रहा है और उनके सपोर्ट में है राजेश ऑपरेटर, जो काफ़ी एक्सपीरियंस ऑपरेटर हैं पोकलेन एक्सकेवेटर के फील्ड में, और ये उनके द्वारा बोल्ट को फंसाया जा रहा है। ये राजेश ऑपरेटर हैं जो बोल्ट को फंसा रहे हैं। बोल्ट फंसाने के बाद इसको अच्छे से टाइट करना होता है। देखिए हम लोगों ने अच्छे से चूड़ी को चढ़ा लिया है। अब इसको गोटी पाने के सहायता से इसको खूब अच्छे से खींच खींच के जहाँ तक ये चढ़ जाए वहाँ तक इसको टाइट करना होता है, क्योंकि इस पर काफ़ी लोड रहता है ट्रैक रोलर पे, पूरा चैन का लोड इसी पे रहता है अपर साइड वाले रोलर पे। इसको अपर साइड रोलर बोला जाता है। लगभग ये बोल्ट पूरी तरह से टाइट हो चुका है और हम इसको चला के चेक करेंगे। चलो सही है, घुमाता चल लगा काम करो। अब हमारे पास जो पुराना वाला जो कट गया था रोलर उसको ले जा रहे हैं वापस रखने के लिए। ये वापस कंपनी को वापस जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर के द्वारा ले जाया जा रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।